लॉकडाउन के बीच रेलवे की ओर से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करके अपने गंतव्य रेलवे स्टेशन पहुंच रहे यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को राहत भरा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंजूरी दी है कि वे रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले इन यात्रियों को घर पहुँचाने के लिए बस चला सकते हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होना चाहिए। ये बस सेवा कन्फर्म ई टिकट वाले यात्रियों को मिल पाएगी। अभी तक लॉकडाउन के कारण बंद सार्वजनिक परिवहन के चलते लोगों को गंतव्य रेलवे स्टेशन पहुंचकर आने जाने में परेशानी हो रही थी। आपको बता दें कि रेलवे ने अपने सभी यात्रियों के लिए गंतव्य स्थानों का पता बताना अनिवार्य कर दिया है ताकि जरूरत पड़ने पर उनके संपर्कों की जानकारी ली जा सके। इसके साथ ही रेलवे ने संकेत दिया है कि 30 जून तक सिर्फ विशेष ट्रेनें ही चलाई जाएंगी, लेकिन रद्द की गई नियमित ट्रेनों के टिकट की पूरी राशि वापस की जाएगी। रेलवे ने कहा कि 12 मई से शुरू की गई राजधानी जैसी विशेष ट्रेनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अब अपना पता देना होगा जहां वे जा रहे हैं। IRCTC की वेबसाइट पर इसके लिए 13 मई से ही शुरुआत कर दी गई है। वहीं रेलवे ने 1 मई से 806 श्रमिक ट्रेनें चलाई हैं और लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे करीब 10 लाख प्रवासी कामगारों को उनके जरिए उनके गंतव्य तक पहुँचाया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से सर्वाधिक ट्रेनें उत्तर प्रदेश गईं, इसके बाद बिहार का स्थान है। तो दोस्तों, यहाँ पर विशेष ट्रेनें जो दिल्ली से चलाई जा रही हैं 15 जोड़ी, उनमें सफर करने वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अब तक दिक्कत हो रही थी, वो अपने स्टेशन पर पहुंच रहे थे, उसके बाद उनको स्टेशन से घर तक जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला किया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बस चलाने की मंजूरी दे दी है, यानी अब आपको स्टेशन से अपने घर तक के लिए बस की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए आप लोग कौन सी ट्रेन से सफर करने वाले हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।